पे मोहन दिल दीवाना। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। तो फ्रेंड्स, आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? आई होप सब भले चंगे होंगे। और कल यहाँ पर गुब्बारे लग रहे थे, सजावट हो रही थी, तभी हमारा वीडियो एंड हो गया था। और मैंने बोला था बाकी का जो हमारा सेलिब्रेशन हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज हम वहीं से शुरुआत करते हैं। और सारा जो तैयारियां हैं सब कुछ हो गया है, सारी सजावट हो गई है, थोड़ा सा हम भी तैयार हो जाते हैं। अभी हमारा अयान भी तैयार होगा। और ये भी अभी बस नहा के चले आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी आज बहुत काम किया है। बाज़ार गए पहले, सारा सजावट का सामान लेके आए, कहीं फूल लाना है और सारे सामान लाने हैं, तो इन सब में लगे रहे थे, फिर आके सजावट की। तो बस अब हम कान्हा जी को भी तैयार कर देते हैं। तो ये है इनकी ड्रेस, और ये देखिए एकदम साइज की ड्रेस है। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी ना हो, छोटी ना हो। बस ये है कि माँ को पता होता है अपने बच्चे का साइज, तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इतना नहीं। लेकिन ये अपना मेकअप नहीं करवा रहा था बिल्कुल भी। ये देखिए भाग आया वहाँ से। तो मैंने बस इनको कान्हा जी की पोशाक और ये सफ़ेद मोतियों की माला, बस इतना ही अभी पहनाया था। और बाकी इनका जो साज सज्जा आभूषण मुकुट के सामान थे वो नहीं पहनाए थे, क्योंकि अभी टाइम था। और मैंने सोचा अभी से अगर पहना दूंगी तो ये सब नोच खाच डालेंगे, तोड़ फोड़ डालेंगे, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया था। और आज इसने मंदिर सजा हुआ देख लिया तो वहाँ से ये हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो बार बार इनको वहाँ से ले लेके आओ, एक काम और ये था। तो बाकी का तो मैंने खीर वगैरह ये सब बना लिया था, तो मैंने कहा चलिए जब तक ये लोग वहाँ के काम संभाल रहे हैं, नंदिनी और अयान के पापा, जब तक मैं सब्जी छौंक देती हूँ फटाफट से। और आज सच में बहुत एंजॉय किया सबने, मतलब पहली जन्माष्टमी होगी जो इतना ज़्यादा एंजॉय कर पाए, क्योंकि पिछली साल क्या था, अयान छोटा था, समझता नहीं था, इतना ज़्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाता था। इस बार ये भी पूरा नटखट हो चुका है। ये देखिए कान्हा जी का झूला लेके बैठे हैं, अगर ये झूला थोड़ा सा बड़ा होता ना तो ये खुद ही बैठते उसमें, इतना ज़्यादा इसने मंदिर। ये बार बार कहीं एक गुब्बारा फूट जा रहा, कहीं कुछ हो जा रहा, तो ये मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं कि थोड़ी देर डेकोरेट रहने दो, थोड़ी देर बर्थडे होने के टाइम तक सजा रहने दो, लेकिन कोई ना कोई तोड़ फोड़ कर देता है, डांट मेरे ऊपर आती है सारी। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि आटा भी मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। तो फाइनली हमारी पूरी सजावट हो चुकी है, बस थोड़ी सी अंदर की लाइट वगैरह अभी जलानी है, वो अभी नहीं जलाई है, क्योंकि जब बर्थडे स्टार्ट होगा 12 बज जाएंगे तब हम सारा जगमग कर देंगे। और बस यहाँ पे नंदिनी लगा रही है चौक, और कल मैंने बोला था ना कि रात में 12 बजे तक अयान जग पाए कि नहीं जग पाए हमारे कान्हा जी, तो ये बताएं जैसे ही इनको गिफ्ट मिले ना, गिफ्ट मिलने के बाद में 12 क्या, ये तो 1 बजे तक भी जगा था, ये इतना चालू लड़का है और वैसे नहीं जगता। और मेकअप देखो नंदिनी ने इसका कैसे किया है, पहले ये मेकअप करा भी नहीं रहा था, एक बिंदी भी नहीं लगवा रहा था अपने सर पे, अगर थोड़ी सी भी लगाई थी तो उसको छुटा दे रहा था, साफ कर दे रहा था। तो थोड़ा सा मोबाइल दे दिया है उसने अपना, तब इनकी पूरी इनका पूरा जैसे पार्लर में मेकअप होता है वैसे इन्हें लेट के मेकअप कराया है, तब जाके डेकोरेट हुए हैं। तो चलिए मैं एक बार पहले आप लोगों को पूरी सजावट दिखा दूं कि लग कैसी रही है, इनकी मेहनत देखिए, सच में आज इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, बहुत प्यारा लग रहा है। और चलिए अब अपने कान्हा जी को गिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये 12 बजे तक रात में जगेगा भी कि नहीं जगेगा, सो जाएगा, तो मैंने कहा चलो पहले इसको गिफ्ट दे दें वरना ये बिना गिफ्ट लिए ही न सो जाए। तो ये लाए हैं इसके पापा इसके लिए गिफ्ट, ये मतलब इस तरीके से स्टिक दी हुई है, इससे ये बजता है। गिफ्ट की जगह तो ये अपनी बांसुरी भी नहीं लगा रहा था, उसको ही लेके घूमता रहा है, उसी में मस्त था, सब अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन उसको इसने छोड़ा नहीं, उसको बजाता ही रहा। उसको मतलब ये रहता है ना, एक खिलौना मिल गया तो उससे पूरी तसल्ली मिल जाती है उसको, जब तभी उसे छोड़ता है। तो इसमें लगे रहिए 1 बजे तक, और यहाँ पे टाइम हो गया है 12, 1-2 मिनट बचे हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं, पहुँचते हैं मंदिर में। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 12 बज गए? हाँ बज गए।
तो इन्होंने शुरू कर दिया है बर्थडे का कार्यक्रम, और इस बार ना अयान के पापा ही कर रहे हैं, और बस मैं पीछे से हिंट करती जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जो कान्हा जी का जन्म होता है, कान्हा जी जब पैदा होते हैं तो खीरे में से बाहर आते हैं, तो ये वही वाला प्रोसेस कर रहे हैं, और ये पहली बार कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार मैंने ही किया था, तो इनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनसे जब पूजा पाठ के काम कराते हैं ना तो बहुत बताना पड़ता है। अब क्या करें, अब पानी डालना है, अब चंदा ब्रेड डालना है, अब फूल लगाने, अब दीपक जलाना है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो बस इन्होंने क्या है, कान्हा जी का जन्म करवाया भी, और उसके बाद में ये चंदा मृत जो होता है दूध और ये सबसे बना हुआ, इससे इनको स्नान कराया है, और उसके बाद में गंगा जल से स्नान कराते हैं और उनको नहला धुला के अच्छे से पोंछ के साफ करके फिर इनको कपड़े पहनाना है। तो इनकी जो पोशाक मैंने बनाई है वही पहनाएंगे, लेकिन जो आई है वो भी मैं दिखा दूँगी आपको, टाइम से आ भी गई थी। ये मेरी बनाई हुई पोशाक है जो प्यारी सी लग रही है, क्यूट सी, तो इसमें मुकुट माला हाथों के जो मैं बना पाई थी वही पहनाए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे अपनी ड्रेस देख रही हूँ ना कि मैंने बनाई थी तो अच्छी लग रही है। और इन्होंने बाकी की पूजा वगैरह सब कर दी है, यहाँ पे भोग वगैरह लगाना, दीपक जलाना, ये सब, फिर आरती हम सब ने मिलके की। तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगता है कि जब हम छोटे बच्चों को सजा के कान्हा जी बनाते हैं ना, तो उनमें सच में एक जो कान्हा जी की छवि आती है ना छोटे छोटे बच्चों में, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैंने अयान को कान्हा बनाया ना, तो मुझे उसमें पूरी छवि आ रही कान्हा जी की, तो बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं। जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं उनको राधा जी बनाते हैं, उनमें राधा जी की छवि आती है, तो वो चीज़ बहुत प्यारी लगती है। तो ये कान्हा बना मस्त भी बहुत था, धोती लपेटे हुए, पैर के नीचे धोती दब रही है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत खुश था। तो एकदम टाइम पे सब कुछ किया है। और हमारे घर पे मायके में क्या होता था, पापा जल्दी कराने लगते थे, जल्दी कर लो, हो गया टाइम, ताकि ये लोग जल्दी से खा पी लें, जल्दी से सेलिब्रेशन कर लें, भूखे क्यों हैं बच्चे। तो वहाँ पे ऐसा करते रहते थे। यशोदा मैया बुला रही है तुम्हारी। तो पापा हमारे शाम को 10 बजे से ही चिल्लाने लगते हैं, हाँ बस कर लो पूजा, सेलिब्रेशन कर लो, खा लो, ताकि ये ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें, सुबह से व्रत है, हो चुका तुम्हारा व्रत। तो बहुत जल्दी जल्दी मचाते थे, 12 तो बजने ही नहीं देते थे कभी। तो बस इन लोगों को खाना खिलाया, इनका व्रत था, अयान के पापा का, नंदिनी का, मैंने भी खाया, और इनका सब अभी साफ किया है, चेंज वेंज किया है, इन्होंने सब टीका वीका अपना साफ करवाया। उसके बाद कितना खुश है, ये देखिए लुंगी डांस दिखा रहा है आप लोगों को, आज ये लुंगी में बहुत खुश है, बस थोड़ी देर में ही अभी ये सो जाएंगे डांस कर। तो ये देखिए, ये है हमारे कोरियर, और मालूम है हमने अपने कान्हा जी की पूरी पोशाक बना ली थी, सब कुछ बना लिया था जो हमने पहनाई थी, लेकिन कल शाम को ये भी आ गए थे, मतलब बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था शाम को, शाम को 7:30 बजे कोरियर आए हैं। तो ये देखिए हमारे जो पहले नंबर की ड्रेस निकली है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी है, मतलब इन्होंने दोनों ही ड्रेस बहुत प्यारी प्यारी सी ही ऑर्डर की थी। ये देखिए थोड़ा सा लेकिन साइज में बड़ी है, क्योंकि ना जो ऑनलाइन साइज़ दिखते हैं उसमें समझ में नहीं आता है छोटा बड़ा, क्योंकि उसमें सब कुछ एक ही साइज़ की दिखती है जितनी भी ये छोटी ड्रेस होती है, लेकिन इनका फ्लावर का डेकोरेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर सा लग रहा है। बड़ी पड़ेगी, हमारे कान्हा जी ढक जाएंगे इसमें, थोड़ी सी बड़ी पड़ेगी, उसमें पता नहीं चल रहा था जब साइज मंगा रहे थे, उसमें तो छोटी दिख रही थी, अगली साल तक काम आ जाएगी उनको, जब थोड़ी बड़े हो जाएंगे ना तो अगली साल तक काम आ जाएगी, इसलिए बड़ी मंगाई है हमने अपने कान्हा जी को, अगली बार पहन लेंगे ना। दूसरी वाली कैसी है, ये वाली तो और अच्छी दिख रही है। तो ये है हमारे दूसरे नंबर की क्यूट सी ड्रेस, बहुत प्यारी लग रही है इसके फ्लावर का डेकोरेशन, और साइज में भी छोटी है, लेकिन हाँ इनको ना डेली डेली धोएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी, इस तरीके से डेकोरेट है, तो कोई स्पेशल ओकेशन है उन पे पहनाएंगे तो ठीक रहेंगी, लेकिन अच्छा लग रहा है, कलर वगैरह बहुत प्यारा है, थोड़ी सी पहले आ जाती तो और अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। और कल है एक और स्पेशल डे, कल एक और त्यौहार है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगी अभी आपको कि कल क्या स्पेशल है। तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी यही मंगल कामना है कि हमारा और आप सभी का जो आने वाला वक्त है वो मंगलमय हो और शुभ हो, खासकर कि इस महामारी के दौरान जल्दी से जल्दी ये महामारी चली जाए
और अब पूरी उम्मीद है क्योंकि अभी तक जो 2020 था वो बहुत बहुत बेकार रहा है, अच्छा नहीं रहा है, तो फाइनली अब श्री कृष्ण जी ने जन्म ले लिया है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीजें धीरे 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 फटाफट खत्म हो और लाइफ पटरी पर लौटे। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले एक जरूरी बात करनी है मुझे, क्योंकि आज है जन्माष्टमी, हम सब जानते हैं, हम सब मनाते हैं, लेकिन कल भी एक स्पेशल डे है। कल क्या है मालूम है? कल है 13 अगस्त। 13 अगस्त है कल? मेरा अगस्त तो कल है, लेकिन मैं तुमको आज ही अस्त ध्वस्त कर दूंगा, ज्यादा फालतू बातें मत करना। 13 अगस्त की आड़ में मेरे से थोड़ा कर रही है। मेरा मतलब 13 है कल तारीख, सब समझता हूँ। कल दोस्तों कल है 13 अगस्त, 13 अगस्त है कल, जो कि इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे के रूप में मनाया जाता है। वो हम जैसे लोगों के लिए मनाया जाता है क्योंकि हम लेफ्ट हैंडी लोग हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना सारा काम लेफ्ट हैंड से ही करते हैं और बचपन से ऐसे ही होते हैं। तो पहले हमारे यहाँ क्या है, इसको एक अशुभ माना जाता था कि जो लोग बाएं हाथ से काम करते हैं वो अशुभ होते हैं, अच्छे नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदली, लोगों की धारणाएं बदली और अब मानते हैं कि लेफ्ट हैंडर जो होते हैं वो लकी पर्सन होते हैं। मैं बोल देता हूँ, जैसे कि बराक ओबामा जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, ब्रायन लारा हैं जो कि क्रिकेटर हैं, और महात्मा गांधी हैं, सचिन तेंदुलकर, आई डोंट नो अबाउट सचिन तेंदुलकर, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे फेमस लोग हैं जो कि लेफ्ट हैंडी हैं और आप देख सकते हैं इनकी तो इनको तो दुनिया जानती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी यहाँ पे मेरी ज्यादा बेइज्जती हो रही है क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, ज्यादा मैं सुन नहीं सकता हूँ। अरे ये देश इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लेफ्ट हैंड अगर अच्छा लगा है आपको तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सारा आज ही लाइक ले ले क्योंकि कल ही रहेगा नहीं। का है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ बिना लाइक किए नहीं जाना, लेकिन